हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई यूट्यूब वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़ालैंड यूनिवर्सिटी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने यहाँ का इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर या फिर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट दिखाया था, तो अगर आप ज़ालैंड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और जो मेरा प्रोसेस था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहली बात, मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू देखा जाना। मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा था जर्मन यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग, तो वहां मैंने सुना कि जर्मन यूनिवर्सिटी है एक ज़ालैंड यूनिवर्सिटी जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का मास्टर्स कोर्स अवेलेबल है इंग्लिश में और वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करा और इस कोर्स के बारे में देखा। तो सिस्पा है रिसर्च सेंटर का नाम जो इस यूनिवर्सिटी में है, जो साइबर सिक्योरिटी के कोर्स प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपको बैचलर्स करनी है या मास्टर्स। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि आपको इंग्लिश में मास्टर्स या बैचलर्स करनी है या फिर जर्मन लैंग्वेज। दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। तो मैंने अप्लाई करा था इंग्लिश में मास्टर्स के लिए और उसके लिए मेरे को अप्लाई करने के लिए अपने यूनिवर्सिटीज से सारे सर्टिफिकेट कलेक्ट करने पड़े थे। मुझे यूनिवर्सिटी के सारे रिजल्ट और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़े थे और आईएलटीएस एग्जाम देना पड़ा था। आईएलटीएस एग्जाम के लिए यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 7 बैंड्स की। तो मेरे आईएलटीएस में एग्जैक्ट 7 बैंड्स आए थे जो मैंने आईएलटीएस का एग्जाम दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ की वेबसाइट पे अप्लाई करा था। जो विंटर सेमेस्टर की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है जनवरी या फरवरी में और आपको एडमिशन मिल जाता है या फिर आपको कंफर्मेशन आ जाता है 1 या 2 महीने में या उससे ज्यादा थोड़ा। और समर सेमेस्टर की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है जुलाई अगस्त में। तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं जो भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, AI ML, तो वो सब कोर्सेज आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं। तो मेरे लिए था कि मेरे को अपने यूनिवर्सिटी बैचलर्स के डॉक्यूमेंट जमा करने थे और आईएलटीएस का रिजल्ट जमा करना था, साथ में SOP वगैरह जो भी देने होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है सब एप्लीकेशन में सबमिट करी। और मेरे को तो 21 दिन के अंदर ही रिप्लाई आ गया था और मुझे 2 प्रोग्राम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था, कंप्यूटर साइंस मास्टर्स और साइबर सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योरियल साइबर सिक्योरिटी मास्टर्स, जो कि नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी मास्टर से थोड़ा डिफरेंट था। इसमें एंटरप्रेन्योरियल साइड था, जो कोर्स था वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए टेलर्ड था, जो कि मैंने ऑप्ट करा था इस यूनिवर्सिटी। जब आपको एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया कि जैसे अपना CV, आपके यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स, रिपोर्ट कार्ड्स, आपका मोटिवेशन लेटर, आईएलटीएस का या TOEFL का रिजल्ट है वो, तो मैंने अपना आईएलटीएस का रिजल्ट सबमिट करा था यहाँ पे। और वेबसाइट्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लिखे हुए हैं और जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, आप उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करिए। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो डायरेक्ट आप ईमेल करके उस कोर्स के मैनेजर या उस कोर्स के जो क्यूरेटर है उससे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल सेंटर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सारे ईमेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे कोर्स के रिगार्डिंग। तो आपका जिस भी कोर्स में इंटरेस्ट है आप वहाँ पे डेडलाइन शुरू होते ही, सबसे बड़ी टिप है डेडलाइन शुरू होते ही अप्लाई कर देना, एंड तक वेट मत करना, तो आपके चांस ज्यादा होंगे एक्सेप्टेंस के अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अप्लाई करते हैं। दूसरी बात, जब आपको एडमिशन मिल जाए उसके बाद अपना आप वीजा का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने आप वीजा के अपॉइंटमेंट लीजिए, दूसरा यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए ऑलरेडी सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अकोमोडेशन मिलने में टाइम लगता है और आपको उसमें बहुत सारी अपने टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अपना आप पैसे का इंतजाम कीजिए। यहाँ पे आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में 11,000 से 12,000 यूरो सबमिट करने होते हैं, डालने होते हैं, शो करने होते हैं और ये आपका वीजा एप्लीकेशन में भी काम आएगा। वहां आपको दिखाना होता है कि आपके पास यहाँ पे पैसे हैं, आपके पास यहाँ पे फंडिंग है, तो आप इन पैसों का इंतजाम भी करेंगे, अपना ब्लॉक्ड अकाउंट खुलाएंगे और उसमें अपने पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो उसके बाद अपने ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करेंगे जो कि है TK, जो मैंने तो लिया था वो TK का लिया था। उसके अलावा AOK एक और कंपनी है जहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी फ्लाइट बुकिंग्स और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वीजा के लिए चाहिए वो आप कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप वीजा अपॉइंटमेंट में प्रिपेयर रहे। और अगर आपको ज़ालैंड यूनिवर्सिटी में नहीं आना तो आप uniassist.de नाम की वेबसाइट है, वहां पे कोर्सेज चेक कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने का इंटरेस्ट है और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। और वहां पे सारे डेडलाइन भी मेंशन होती हैं कि आपको कब अप्लाई करना है या एप्लीकेशन सीजन कब ओपन होता है,
तो uniassist.de, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जर्मनी की एक और वेबसाइट है जिसका नाम है dart.de, इस वेबसाइट पे भी कोर्सेस और यूनिवर्सिटीज चेक कर सकते हैं, प्लस आप यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये जो दो वेबसाइट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो अगला तरीका है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी सर्च कैसे कर सकते हैं, तो आप के दिमाग में जो भी फील्ड या जो भी इंटरेस्ट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है जर्मनी आके, उसके बारे में रिसर्च करिए। तो जैसे कि अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, ऑटोमोटिव पढ़ना है या फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो आप इस बारे में क्लियर हो जाइए कि आपको क्या करना है। उसके बाद आप सर्च करिए या चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि जर्मनी में इस फील्ड के रिगार्डिंग सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश डॉट प्रोग्राम या जर्मन डॉट प्रोग्राम, आप जिस भी लैंग्वेज में वो कोर्स करना चाहें वो आप सर्च कर सकते हैं, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उस प्रकार के स्पेशलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उस कोर्स के लिए अच्छी हैं, आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं। तो ये था मेरा प्रोसेस जर्मनी में यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। मैंने सिर्फ ज़ालैंड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा था और एक फ्रैंकफर्ट अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा था, और मेरा ज़ालैंड यूनिवर्सिटी में 20 दिन में ही एडमिशन हो गया था और मेरे को यही एडमिशन चाहिए था, तो उसके बाद मैंने ज्यादा अप्लाई कहीं और करा नहीं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।